हाँ बारात लेके आया था और माई माओ मुंडा के जो भी कही भी हो बदले आदत बदले कही आमी आमी भैये लाड़िया ने एक जैसा कपड़ा था मामा का घरी का ये एक हरी का था उससे कोई कही नहीं भी हो ने यहाँ आके फेरा में आया और पाचा हमारे जांगी जा बिठाई थी। पंडित जी ने भी सही सर हाँ हमारे पंडित जी अगर गलत भी हो हुजे को नहीं दाना आदमी था हमारे देख के सही जगह पाछा बैठे। पाँच तारीख को रात आई थी उसके बाद में यहाँ फिर यहाँ माता पूजन में गए। माता पूजन में जाने के बाद लाइट चली गई तो वहाँ अपनी लाड़ी अपनी अम्मी हो गई बच्ची उन्हें हुए उसके बाद में बच्ची पीछे लेट आई तो अपने वहाँ पाचा मुकाम पे पहुँचा दिया पढ़ने अपने वहाँ बन गए थे सेड़ा घाटना आमने सामने उसके बाद फेरे पे सही साठ बन गई पीछे। वहाँ पूजन में क्या हुआ लाइट चली गई थी तो लाइट अंधेरे में लड़की इधर वाले दूल्हे की जगह इधर वाले के साथ बैठ गई और इधर वाली इधर बैठ गई थी। कितनी बच्चियाँ थी? दो बच्चियाँ और एक की तो पहले हो गई थी शादी, तीन की शादी थी तो एक का पहले हो गया था जिसके बाद में दोनों के साथ में थी तो उसमें ऐसा हो गया था। फिर बाद में लाइट आई बाहर निकालने के बाद में फेरे पे ले जा रहे थे तो देखी तो कि यार ये इधर वाली लड़की इस लाड़े के साथ हो गई और इधर वाली इस लाड़े के साथ हो गई तो फिर फेरे में वापस इधर से इधर जहाँ की जहाँ जो सही है सही साठ जहाँ जाना था वहीं हो गई। मैं सहायक सचिव हूँ ग्राम पंचायत में तो यहाँ रमेश जी के यहाँ शादी का आयोजन था और पाँच तारीख को शाम रात में बारात आई। ये तीन बच्चियों का था इनका तो बारात के आने के बाद में अंदर घर में जो पूजन होता है फेरों के पहले वाला जो पूजन कर रहे थे वहाँ उस समय लाइट नहीं होने के कारण वो एक जैसी ड्रेस वगैरह में अदला बदली हो गई थी दुल्हनों की। जब पूजन करके निकलने वाले थे तो तब लाइट आ गई थी तो फिर सगे संबंधी रिश्तेदार जो भी थे उन्होंने देखा कि ये दुल्हन तो इसके साथ है तो फेरे पे जाने के पहले उन्होंने वापस उनको सही कर लिया और फिर पंडित जी ने सही रीति रिवाज के अनुसार फेरे करवाए। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।